मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट ग्रुप के ऊपर चर्चा करेंगे। कॉर्पोरेट ग्रुप मतलब एक ही मैनेजमेंट, एक ही ब्रांड से अलग अलग कंपनियां, जैसे कि टाटा, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मेटालिक्स। तो ये तीनों अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन ये तीनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। तो ऐसे ग्रुप जिनकी एक से ज्यादा कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनके बारे में इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इन ग्रुपों के बारे में जानना क्यों जरूरी है। आखिर कॉर्पोरेट ग्रुप का महत्व क्या है, इसका महत्व जानने के लिए एक छोटी सी चीज डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। निफ्टी, या कह सकते हैं निफ्टी 50, 50 कंपनियों का समूह है और निफ्टी में चार टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। चार कंपनियों में है टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाइटन और टीसीएस। ये चार की चारों कंपनियां एक ही मैनेजमेंट से हैं, एक ही कॉर्पोरेट हाउस से हैं, एक ही ब्रांड से हैं टाटा। तीन बजाज ग्रुप की कंपनियां हैं, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। और तीन एचडीएफसी ग्रुप की कंपनियां हैं, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ हाल ही में निफ्टी का हिस्सा बना है वेदांता की जगह। तो एक तरह से अगर आप देखिए 4, 3, 7, 3, 10 निफ्टी के 50 कंपनियों में से 10 कंपनियां तीन कॉर्पोरेट ग्रुप से हैं, या अगर हम कहें तो 1/5 हिस्सा निफ्टी का तीन कॉर्पोरेट ग्रुप से बना हुआ है। 10 में से 50 कंपनियां तीन कॉर्पोरेट ग्रुप से हैं। 20% निफ्टी तीन कॉर्पोरेट ग्रुप से आता है, जबकि भारत में इतनी कंपनियां लिस्टेड हैं, इतने ग्रुप हैं। तो इससे ग्रुप की महत्ता आपको पता चलती है। पहली जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में, वह होता है कि मैनेजमेंट कैसा है, क्या वह निवेशक के हितों को ध्यान में रखता है, क्या वह कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस समस्याएं नहीं है, क्या वह ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं किसी भी कंपनी का विश्लेषण करने के लिए। अब एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप की कंपनियों का फायदा यह होता है, सब जी टाटा ग्रुप की कंपनियों को हमको विश्लेषण करना है तो ये कॉर्पोरेट समस्याएं या निवेशक के हितों को ध्यान में रखता है कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं मैनेजमेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजों को हम दरकिनार कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप, टाटा ग्रुप ये भारत के अग्रणी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं और कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज एक तरह से इन ग्रुपों में नगण्य है। तो ये फायदा होता है अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने जाएं और आपको पता हो कि वह ऐसे ग्रुप से आता है जहां का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जहां कभी कभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं रहे हैं, कभी कोई दिक्कतें नहीं रही हैं। आम तौर पर अगर आप देखेंगे कोई कम भी कंपनी वह एक दो क्वार्टर के घाटे से नहीं डूबती है, वह कंपनी सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस से नहीं डूबती है। कोई भी कंपनी अगर निवेशकों का पैसा डुबाती है तो वहां कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं। तो आप एक अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट की कंपनी में अगर निवेश करते हैं तो ये जो सबसे बड़ा झटका है, रिस्क है, खतरा है, वह हट जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है, ये जानने का कि ये कंपनी एक बेहतरीन कॉर्पोरेट ग्रुप से आती है।
दूसरी बात है पिछले परफॉर्मेंस, जैसे इस ग्रुप की कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की और अगली कोई छोटी कंपनी है, तो आप ये जान सकते हैं कि ये भी अच्छा करेगी या कर सकती है, करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन एक भरोसा। अब मान लीजिए किसी ग्रुप की कंपनियां ज्यादातर डूब रही हैं, तो आपको पता है कि ये ग्रुप में पैसा लगा के फायदा नहीं है, तो ये एक फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। हर ग्रुप की सारी की सारी कंपनियां स्टार नहीं बन सकती, लेकिन एक बुनियादी फैसला लेने में सहायता प्रदान करता है। और ग्रुप का स्ट्रेंथ, अगर आप देखें तो टाटा मोटर काफी सालों से जूझ रहा है, लेकिन ग्रुप इतना मजबूत है कि वो उसको चलाया जा रहा है। बाकी अगर कोई कंपनी इतनी समस्याओं से जूझती तो उसका हालत खस्ता हो जाता और वो बंद होने के कगार पे आ जाती। तो ये फायदा होता है एक अच्छे ग्रुप की कंपनी में निवेश करने का। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक निवेशक के लिए, नई कंपनियों को जानने का। कोई भी निवेशक जब पहले बाजार में आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि किन कंपनियों में हम निवेश करें या किन कंपनियों को हम ट्रैक करें या वॉच लिस्ट में रखें। तो उसके लिए उन कंपनियों के बारे में जानिए जो एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप से हैं, तो आपका किन कंपनियों को वॉच करें वो लिस्ट भी बन जाता है और उनको उनके कंपटीटर से कंपेयर करके आपका दायरा और बढ़ता है। जैसे टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां हैं, तो आपका तो 17 कंपनियों का लिस्ट वैसे ही तैयार हो गया। अब उनके कंपटीटर से आप कंपेयर करेंगे तो आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक तरीका है अलग अलग कंपनियों के बारे में जानने का और अपना दायरा बढ़ाने का, नई कंपनियों के बारे में पता करने का। TCS के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन नैलको के बारे में लोगों ने नहीं सुना होगा, ट्रेंड के बारे में लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये सब भी टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। तो यही सबसे जरूरी चीज है कि लोग अपना दायरा, निवेशक अपना दायरा बढ़ा सकते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट ग्रुप की कंपनियों को देख के। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की काफी और भी कंपनियां लिस्टेड हैं एक्सचेंजेस पे। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनियां लिस्टेड है इस कॉर्पोरेट ग्रुप की एक्सचेंजेस पे। तो आपका दायरा बढ़ जाता है, आपको नई कंपनियों के बारे में पता चल जाता है, मैनेजमेंट क्वालिटी आप पहले से जान सकते हैं। अगर किसी बड़े ग्रुप से है तो मैनेजमेंट क्वालिटी की समस्याएं नगण्य होंगी। तो ये सारे बेनिफिट रहते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट पे भारत के अग्रणी ग्रुपों के बारे में और उनकी कितनी कंपनियां लिस्टेड है और हर कंपनी का विश्लेषण किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कुछ एक बहुत कम प्रसिद्ध ग्रुप जैसे अडोर ग्रुप के बारे में भी मैंने जानकारी दी हुई है और मैं अलग अलग कॉर्पोरेट ग्रुप के ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मनीपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करिएगा तो जो भी मैं वीडियो भविष्य में डालूंगा उसका पता आपको चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। इस तरह आपसे एक भी वीडियो छूटेगा नहीं। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूं। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरे खुद के रिसर्च के लिए है और मैं इसे दूसरों के साथ साझा करता हूं ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। धन्यवाद।